मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोफार्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ये पार्ट चालू किया था, जो एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए इसका थ्योरी का पार्ट, इसका फॉर्मेट और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्लास में सॉल्व किया। आपके पास लास्ट लेक्चर में ये चैप्टर का डिटेल्स हो। आप में से अगर किसी ने ये ग्रुप्स थोड़ा लेट ज्वाइन किया है तो आप रिक्वेस्ट डालिए, आपको लास्ट लेक्चर का डिटेल्स मिल जाएगा, वरना आपके पास ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स का डिटेल है। फिर से एक बार इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले अगर आपके पास टाइम होगा तो एक 5 मिनट के लिए लास्ट लेक्चर्स का डिटेल दे दीजिए। ना प्रोफार्मा आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज कर देता हूँ कि प्रोफार्मा बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोफार्मा बिल ऑफ एक्सचेंज। वन सेकंड, मिस्टर अनिल, इनका राइस का बिजनेस है। मिस्टर राज, इनका भी राइस का बिजनेस है। ये एक बड़ा व्यापारी है, ये छोटा व्यापारी, ये होलसेलर है, ये रिटेलर। एक दिन मिस्टर राज मिस्टर अनिल के पास आया, बोला मुझे 10,000 रुपए का राइस चाहिए और कहा कि मैं पैसा 1 महीने के बाद दूंगा। तो पैसा दूंगा लेकिन 1 महीने के बाद। तो अनिल ने कहा चलेगा, तो पैसा 1 महीने के बाद दे, लेकिन मैं एक बिल बनाऊंगा जिसमें हमारा पूरा व्यापार लिखा रहेगा, तो उस बिल को पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और उस पर साइन कर। तो वो जो बिल अनिल बनाएगा किसके ऊपर, राज के ऊपर, उसी को अकाउंट में प्रोफार्मा और बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। याद रखना, जो पर्सन ये बिल बनाता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं, जो पर्सन ये बिल बनाता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं, जो इसको एक्सेप्ट करता है उसको ड्रॉवी बोलते हैं, जो इसे एक्सेप्ट करता है उसे ड्रॉवी बोलते हैं। जितने रुपए के लिए बिल बनता है दैट इज अमाउंट, जितने महीने के लिए बिल बनेगा इज कॉल्ड एज पीरियड, जिस दिन अनिल ये बिल बनाएगा इज कॉल्ड डेट ऑफ बिल, और जिस दिन राज इसको इस पे साइन करेगा इज कॉल्ड एज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो एग्जाम में आपको गिन के 6 इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ड्रॉवर का नाम और एड्रेस, डॉगी का नाम और एड्रेस, अमाउंट, पीरियड, डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब इसको किस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर किया, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहले आप पेंसिल से एक बॉक्स बनाओगे अच्छा सा, उस पर हेडिंग डाल दो कैपिटल में प्रोफार्मा बिल ऑफ एक्सचेंज, फाइन। उसके बाद में यहाँ पे 2 लाइन का पेंसिल से स्टैंप बनाने का और स्टैंप वर्ड लिखने, यहाँ पे पहले लाइन पे ड्रॉवर का नाम, दूसरे लाइन पे उसका एड्रेस, एड्रेस के लिए ज्यादातर 2 लाइन का यूज करते, फिर डेट ऑफ बिल। तो यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन होगा, ड्रॉवर का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बिल। फिर एक लाइन छोड़ के पीरियड क्या है देखने का, दैट इज 1 मंथ। तो स्टार्ट करने का पैराग्राफ करके 1 मंथ आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीस, कितना हुआ पे 10,000, तो 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। वापस एक बार, 1 मंथ आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीस 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे बॉक्स बना के वही 10,000 नंबर्स में, फिर एक लाइन छोड़ के 2, ड्रॉवी का नाम उसका एड्रेस, ड्रॉवी का नाम उसका एड्रेस, यहाँ पे कॉर्नर पे ड्रॉवर का सिग्नेचर, ड्रॉवर का नाम ऊपर होता है उसका सिग्नेचर। फिर ये बिल अनिल लेके गया राज के पास, राज ने पढ़ा, राज को सब सही लगा, राज ने यहाँ पे लिखा एक्सेप्टेड और अपना साइन किया, और जिस दिन उसने वो साइन किया उस दिन का डेट डाला, दैट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ये तीनों क्वेश्चन इसी टाइप के थे। तो मैंने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था, 2 और 3 आपको सॉल्व कर देगा। नॉट टुडे मैं क्वेश्चन 4 चालू करने वाला हूँ, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज बढ़ेगा पे। अब पे होता क्या है वो ध्यान से। अनिल ने राज को 10,000 का गोल्ड बेचा, राज को बोला पैसा तो 1 महीने के बाद दे, सही है चलेगा, नो प्रॉब्लम, मैं एक बिल बनाऊ तो उस पर साइन। लेकिन सुन राज, 1 महीने के बाद पैसा लेने में नहीं आऊ। अनिल राज को पहले ही बता रहा है कि 1 महीने के बाद पैसा लेने में नहीं आऊंगा, पैसा लेने के लिए डायरेक्ट सुनील आया, सुनील जो कि पुणे में रहता है, और तू पैसा डायरेक्ट सुनील को दे दे। कौन बोल रहा है सर? अनिल।
कि पैसा लेने को एक महीने के बाद मैं नहीं आऊंगा। पैसा लेने डायरेक्ट सुनील आएगा, सुनील जो कार्ड रहता है थोड़े उसको पैसा दे दे। तो जबकि पैसा किसी तीसरे पर्सन को देने को बोला जाएगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज पे। अनिल बोल रहा है पैसा लेने में नहीं आऊंगा, पैसा लेने कौन आएगा? सुनील। तो पैसा तो डायरेक्ट सुनील को दे। किसको बोल रहा है? राजू। तो दैट सुनील इज कॉल्ड एज पे। तो एग्जाम में जब भी पे का नाम लिखेगा तो टोटल सात इन्फॉर्मेशन दिया है, ड्रॉवर का नाम एड्रेस, ड्रॉवी का नाम एड्रेस, पे का नाम एड्रेस, अमाउंट, पीरियड, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी सात इन्फॉर्मेशन पे से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना। और क्वेश्चन फोर से जितने भी आगे के सभी क्वेश्चन हैं इसमें इसी तरह से पे का नाम दिया। तो हम ये क्वेश्चन नंबर फोर जो आपके ऑलरेडी शीट्स में है मैं आपको डिस्कस करके देता हूँ, मैं सॉल्व करके देता हूँ। एक बार ये आप क्लियर हो गए तो क्वेश्चन 5, 6, 7 आप इजीली कर सकते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज है। तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। सबसे पहले ड्रॉवर का नाम है विजय वर्ड, एड्रेस मेन रोड नागपुर। ड्रॉवी का नाम अशोक कुलकर्णी, एमजी रोड नागपुर। पीरियड है 80 डेज। देखना 8 डेज नहीं 80 डेज है, जरूरी नहीं कि पीरियड मंथ में ही देना चाहिए, डेज में भी दे सकते हैं, नो इशू। अमाउंट 6950 6950। डेट ऑफ बिल है 7th March 1996। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 10th March 1996। और इस क्वेश्चन में पेई का नाम है अनिल जादव पुणे। फाइन, तो देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन इंफॉर्मेशन आर गिवन टू यू। अभी सेवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से किस तरह से फॉर्मेट करें? हार्डली कोई चेंज, हार्डली कोई चेंज नहीं, जो हमने पहले किया है वैसे ही सॉल्व करें। खाली माइनर पे को कहाँ पे एडजस्ट करने का वो आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने ये बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद स्टैम्प बना दिया। स्टैम्प बनाने के बाद पहले लाइन पे ड्रॉवर का नाम बना, ड्रॉवर का नाम क्या है? विजय वर। तो ये हमने लिखा विजय क्या वर। देन उसका एड्रेस मेन रोड कॉमा, देन द वर्ड कुलकर्णी, एड्रेस
आपके सिग्नेचर, नीचे सिग्नेचर किसका, ड्रॉवर का। ड्रॉवर का नाम विजय, ये बन गया पेज। बिल बनते ही यहाँ पे बीच में वर्ड एक्सेप्टेड आ गया, ऊपर नीचे सेंटर लाइन, कैपिटल में लिखना एक्सेप्टेड वर्ड ऑलवेज। उसके बाद सिग्नेचर, यहाँ पे किसका सिग्नेचर, अशोक कुलकर्णी, उसका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 10th March 1996, 1996, that's all. तो अगर पेई लेडी है, लेडी है तो यहाँ पे इसके जगह पे हर आएगा, हर ऑर्डर, अदरवाइज एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ये हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे। लेकिन अगर हम क्वेश्चन 8 को देखें तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, उन्होंने अमाउंट 2 दिया है। तो जब भी अमाउंट 2 दिया है मतलब बिल बोला है 50,000 और एक्सेप्टेड बोला है 40,000, तब आप यहाँ पे 50,000 ही लिखते, यहाँ पे 50,000 ही लिखते, बट यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्टेड फॉर 40,000, एक्सेप्टेड फॉर 40,000 लिखते। अगर किसी क्वेश्चन में दो अमाउंट दिए, एक बड़ा एक छोटा, तो जो बड़ा वाला अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा, लेकिन छोटा अमाउंट के लिए बिल एक्सेप्ट हुआ है। जैसे कि 50,000 का बिल है तो यहाँ पे 50,000 आए, बट यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्टेड फॉर 40,000, 40 नंबर्स में लिखना है, फॉर कैपिटल 40,000, एक्सेप्टेड फॉर 40,000 ओनली, एक्सेप्टेड फॉर 40,000 ओनली, दैट्स ऑल, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ये कब करना है, अगर दो अमाउंट दिया है, एक अमाउंट दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही लिखना है, लेकिन अगर दो अमाउंट दिया रहेगा तो आपको इस तरह से करना है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कवर ऑल दिस पार्ट। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोफार्मा वाला पार्ट कवर हो गया है, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो मैंने आपको शीट्स दिया है उसके थ्रू सॉल्व किया। मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, हमने आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक सेंड किया हुआ, उस गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चन थे आप एज अ प्रैक्टिस घर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ये 5 मार्क्स क्लास खुलने के पहले कवर हो जाए। नाउ नेक्स्ट लेक्चर से आई विल स्टार्टिंग विद अ डिफरेंट चैप्टर, सो अकॉर्डिंगली उस चैप्टर के हिसाब से उसे स्टार्ट करने के पहले आपका प्रॉपर वाला पार्ट पैकअप कर कंप्लीट हो जाना चाहिए, देन ओनली वी कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू टू ऑल।